अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीदा खैरियत से होंगे जी। आज का करते हैं व्लॉग शुरू। आज के व्लॉग में यार एक ना नुकसान हो गया हमारा दुकान का, तो बस आपको दिखाते हैं क्या वो चीज़ जी। तो ये वो मशीन है जो फोटोकॉपी करती है, ये इसका पता नहीं क्या सीन हुआ है। ठीक थी मगर अचानक ही ख़राब हो गई है। कोई चीज़ फोटोकॉपी नहीं कर रही और बीच में से ना सारे कागज़ जो है ना फाड़ रही है वो। तो अभी खबर भाई से पूछते हैं क्या इसका क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप बारे में, तो फिर आपको बताते हैं जी। पूछते हैं क्या नुकसान हुआ है इस कार और ठीक करवाने के लिए चलते हैं जहाँ ये कहेगा। चलो खबर से पूछते हैं अब। हाँ जी खबर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या मसला हुआ ऐसे यार? भाई इसका ना वो ट्यूनर रिफिल होना है और उसके बाद इसका ड्रम पड़ना, ब्लेड वगैरह, इसका ना काफी ज्यादा खर्चा भी आ गया। तो ये आपने कहा था अचानक खराब हो गई है? अचानक ही, बस ये देखे ना वो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इसने पेज जो है ना वो डिस्टर्ब की है, खराब की है। कल की ये खराब हुई हुई है, कल फ्राइडे था नहीं जा सके बाजार में, तो आज चलते हैं इंशाल्लाह जाकर। क्या खर्चा क्या आ जाएगा इसका यार? तकरीबन इसका ये ड्रम ब्लेड ट्यूनर वगैरह रीफिलिंग इसकी वो सर्विस होनी है, चार हजार लग जाना। यार ये तो बैठे बैठाए इतना खर्चा आ गया। चलो कोई नहीं, चलता ये फिर भाई, चलो फिर चलें चलें इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये दुकान है आजान प्रिंटर, यहाँ से ठीक करवाना है हमने, इसे लेकर आ गए हैं। अब चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। A few minutes later. ये काफी टाइम हो गया यहाँ पर बैठे हुए, तो तकरीबन एक घंटा हो गया। अभी गए हुए हैं भाई लेकर उसे, यहाँ से तो तकरीबन आधा काम हुआ है, ठीक हुआ है। जैसे ही ठीक होगा आपको दिखाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बैठे हुए हैं तो आपको मशीन की हालत दिखा देते हैं जी भाई, खबर लेकर चलते हैं वहाँ पर। तो मशीन क्या होगा, हमने देख लिया काफ़ी कंडीशन ख़राब हुई हुई है। तो बस जैसा कि आपको आगे बताया था भाई, ले के गए हुए ऐसे, उसका ना थोड़ा सा काम होने वाला था ऊपर के हिस्से का पैनल का। तो जैसे ही वो ठीक करो आकर आता है तो चलते हैं घर वापसी। ये तो दो घंटे पूरे हो गए हैं, अब जाकर ठीक हुई है मशीन, अब चलते हैं घर की तरफ। भूख वगैरह काफ़ी लगी हुई है, रास्ते में देखेंगे अगर कोई शॉप मिली तो वहाँ से खाना खा लेंगे, नहीं तो सीधा घर चल कर खाएंगे। तो रास्ते में काफ़ी भूख लग गई थी, ऑर्डर किया हुआ दही भल्लों का, मैं और खावर भाई आए हुए हैं। खावर भाई हाँ जी, तो प्रिंस वाला के पास आए हुए हैं, दही भल्लों का ऑर्डर किया है, आते हैं आपको दिखाते हैं साथ में बोतल। हाँ जी खावर भाई ने तो ऑर्डर कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, शुरू कर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अभी खाना शाना खा लिया वहाँ से, तो सीधा इधर आए हैं खेतों की तरफ। ये खावर भाई ने फसलें लगाई हुई थी, तो हमने सोचा चलो घर तो जाना ही है, चलते चलते ना खेतों की तरफ हो लें, देख लें क्या क्या सूरत हाल है। बाकी अभी आए हैं, दोपहर के गए हुए थे हम, तो घर जाएंगे मुँह हाथ धोएंगे, फिर शाम को क्लब भी जाना है, उसी की तैयारियां शुरू हैं। तो चलते हैं अब घर की तरफ। क्यों खबर भाई? अल्लाह हाफिज़। आज का दिन कैसा गुजरा भाई? आज का दिन भाई बस सुबह ना ऐसे डिफल्टर ही गुजरा। नहीं मज़ा आया? मज़ा कोई नहीं आया। चलो भाई द नेक्स्ट डे
फ्रेश वगैरह हो गए हैं, अभी जस्ट आए थे वहाँ से घर से होकर। तो जैसा कि आपको पता है मशीन का कल कितना ज़्यादा खर्चा हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए थे। फिर उसके बाद क्लब चले गए, क्लब से लेट हो गए काफ़ी, अब सुबह हो गई है तो बाहर आए हैं। ये हमारे बिलाल भाई हैं, फैसलाबाद से आए हैं, ये वहाँ पर काम करते हैं, हैं यहीं के, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। ये भी राजपूत बरादरी से हैं, बाकी इन्हें दो चार दिन यहाँ पर घुमाते हैं, इंजॉय करवाते हैं, दोबारा फिर से वही सूरत हाल, और बाद में करते हैं आपसे मुलाकात। 10 years later हमने ये ना मशीन जो है ना वो ले आए हैं, ठीक करवा ली थी तो ये सेटअप कर दिया इसके साथ, कंप्यूटर के साथ अब ठीक हो गई है। काफ़ी हद तक हमने ट्राई की है, आगे से काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही है। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।